हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, ये जो वीडियो है ये पत्राचार विद्यालय के रिगार्डिंग रहेगी। देखिए, जो बच्चे ओपन से पढ़ाई कर रहे होते हैं, पत्राचार विद्यालय से स्टडी कर रहे होते हैं, उनकी बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ जो क्लास 10th के और क्लास 12th के हैं। ठीक है, देखिए, आपके जो एग्ज़ाम है ना, बिल्कुल CBSE के पैटर्न के जैसे होते हैं। तो जो भी CBSE ने आपको सैम्पल पेपर इशू किया, आप उसी के बेस पर अपनी तैयारी करें। DOE ने जो सैम्पल पेपर इशू करें, उसी के बेस पर आप अपनी तैयारी करें। पूरा पूरा सिलेबस आएगा, जो भी सिलेबस DOE की साइट पर, CBSE की साइट पर दिया हुआ है ना, वो सारा आप करें। अब मैं बता दूं, एडमिट कार्ड देखिए, आपको जो एडमिट कार्ड है पत्राचार विद्यालय से ही प्राप्त होगा। लेकिन एडमिट कार्ड, जैसे एग्ज़ाम आपके 15 तारीख से स्टार्ट है, तो आप ये समझ लीजिए एक हफ्ता पहले 7 तारीख के अराउंड, ठीक है, फरवरी में 7 तारीख के अराउंड आपको जो है एडमिट कार्ड मिलना शुरू हो जाएंगे। और एडमिट कार्ड पर ये लिखा होगा कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है जो आपने चूज़ किया होगा, उसकी टाइमिंग क्या है और किस जगह आपका सेंटर पड़ा है। अब मैं आपको टाइमिंग भी बता दूँ, तो देखो CBSE का पूरा रूल है ना, तो आपकी टाइमिंग भी सुबह की ही रहेगी। मतलब आपका एग्ज़ाम भी 10:30 बजे स्टार्ट होगा, 2 घंटे वाला है तो 12:30 ओवर हो जाएगा, 3 घंटे का है तो आपका एग्ज़ाम जो है 1:30, मतलब 1:30 बजे जो है ओवर हो जाएगा। आपको जो स्कूल है वो लगभग 1 घंटा पहले पहुंचना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देखो 1 घंटा इसलिए क्योंकि कई बार अगर देर हो जाए तो हम टाइम पर पहुंच पाए। 10 बजे आपकी एंट्री हो जाती है, मतलब हो सकता है 5 मिनट पहले ही हो जाए, क्योंकि 10 बजे आपको पेपर मिलेगा जो आंसर शीट वाली होती है, वो उसे आप पूरा फिल करेंगे, उस पर रोल नंबर सारी चीज़ अपनी मैंशन करेंगे। आपके पास इन्विजिलेटर भी होंगे जो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और इन्विजिलेटर जब आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, आप अच्छे से फॉर्म पूरा भरना, एडमिट कार्ड अपना लेकर जाना, ओरिजिनल जो ID प्रूफ है वो जरूर लेकर जाना, नहीं तो आपको एंट्री करने नहीं देंगे, ठीक है। और उसके बाद जब 15 मिनट में आप पूरी वो अपनी जो भी आपकी सारी किसी आंसर शीट होती है ना, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी डेट को पेपर देने जा रहे हो। देखिए, जैसे ही 10-15 होंगे ना, तो फिर आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। मैं आपको क्लियर कर दूं, जब 10:30 बजेंगे ना, तो आपको सील ओपन करने के लिए कहा जाएगा, जो आंसर शीट होती है वो। क्वेश्चन पेपर तो आपने ओपन कर लिया होगा और पढ़ भी लिया होगा, देख भी लिया होगा, लेकिन जो आंसर शीट है ना, उस पर एक सील लगी होती है, उसे 10:30 के बाद ही खोलना पड़ता है। अगर पहले खोलेंगे तो टीचर आपको डांट सकते हैं और बोल सकते हैं कि आपको अलाउड नहीं है, क्योंकि लिख तो सकते नहीं बिल्कुल, और अगर जिस दिन लिख दिया तो हो सकता है उसका पेपर भी कैंसिल कर दें। सुन रहे मेरी बात? वो तो टीचर्स के ऊपर है, वो कैसा स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं बच्चे के अकॉर्डिंग। तो 10:30 बजे आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, फिर जितने घंटे का पेपर है उतने घंटे में आपको करना है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे दे दी है, ठीक है, बाकी जो भी और इन्फॉर्मेशन आप कमेंट करता करो, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल वीडियो में इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।